तो इस वीडियो में देखेंगे एसोसिएटिव क्या होता है और एसोसिएटिव फ्लोटिंग पॉइंट का हम कैसे चेक करेंगे कि जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिया हुआ है वो एसोसिएटिव है या नहीं। तो सबसे पहले एसोसिएटिव क्या होता है ये देखते हैं। एसोसिएटिव आप लोग पढ़े भी पढ़े होइएगा कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अगर ये होता है इक्वल तो हमारा ए प्लस बी का सी का वैल्यू दिया हुआ है। अगर ये परफॉर्म करने के बाद इक्वल होता है तो हमारा जो नंबर है वो प्लस फ्लोटिंग नंबर से, अगर फ्लोटिंग नंबर दिया हुआ है तो एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास फ्लोटिंग नंबर दिया हुआ है ए बी सी और चेक करना है कि वो है कि नहीं। यहाँ मेरा ए बी और सी का वैल्यू दिया हुआ है फ्लोटिंग पॉइंट में, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तीन भी, तीन ए बी सी, और चेक करना है कि ये मेरा एसोसिएटिव है या नहीं। एसोसिएटिव है कि नहीं सबसे पहले एल एच एस से चलेंगे तो क्या चेक करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे और ये इक्वल इसके होता है तो एसोसिएटिव है, नहीं तो नहीं है। ए प्लस बी यानी कि दो फ्लोटिंग पॉइंट का सम निकालना है, दो फ्लोटिंग नंबर का सम बताए थे पहले भी, क्या करना पड़ेगा ए प्लस बी निकालना है तो दोनों का एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है। तो जिसका एक्सपोनेंट कम है उसके एक्सपोनेंट को हम बढ़ा देंगे, तो बढ़ाने के लिए तो लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो बी का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो दो ऐड हो जाएगा, पहले तीन था अब दो ऐड हो गया पांच हो जाएगा। अब दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, अब दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो ए का वैल्यू क्या है दोनों का लिख लेंगे, यानी कि ए प्लस बी निकाल रहे हैं तो ए का वैल्यू है प्लस बी का वैल्यू है ये, टेन टू द पावर फाइव है, ये भी 10 to the power 5 है। तो दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का क्या है एक्सपोनेंट सेम है तो दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे आएगा इतना आया दोनों को ऐड करने पर, ये तो अननॉर्मलाइज फॉर्म है, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए दो मिनट बताए थे, एक चॉपिंग और दूसरा था राउंडिंग। तो चॉपिंग में क्या करते थे सिर्फ हम मेंटिसा का 4 डिजिट लिख देते थे वो तो चॉपिंग होता था, और राउंडिंग में क्या करते थे डी फाइव देखते थे। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता था तो डी फोर में हम एक ऐड कर देते थे। सेम करेंगे वहीं, यहाँ देखेंगे डी फाइव है और ये मेरा जो डी फाइव का जो कंडीशन है ये कंडीशन सही है तो डी फोर में एक ऐड कर देंगे। तो ये नॉर्मलाइज करके यानी कि राउंडिंग के द्वारा कर रहे हैं, राउंडिंग के द्वारा नॉर्मलाइज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये निकला बी प्लस सी का वैल्यू, ए प्लस ये निकला ए प्लस बी का वैल्यू। अब इसमें सी को ऐड कर देंगे, इसका एक्सपोनेंट 5 है और c का एक्सपोनेंट 1 है तो इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा, एक्सपोनेंट बढ़ाना पड़ेगा c का। पहले c का वैल्यू लिख लेते हैं, c का वैल्यू पता है -0.1 है तो 4 बिट लेफ्ट शिफ्ट करना है तो 4 जीरो दे देते हैं, 21 4 2 × 10^1 था अब 4 ऐड हो जाएगा। अब दोनों का क्या एक्सपोनेंट सेम है तो हम ए प्लस बी प्लस सी अब निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस निकला हुआ था अब उसमें सी को ऐड कर देते हैं। तो ए प्लस बी का वैल्यू हमको पता था नॉर्मलाइज फॉर्म करके, ये तो माइनस में दिया हुआ है तो ऐड की जगह पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा,
दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्सपोनेंट इक्वल ही रहेगा, सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा ये इतना आया। सब्ट्रैक्ट करने पे सेम यहाँ भी देखते हैं, ये अननॉर्मलाइज फॉर्म है, इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो d5 देखेंगे, d5 7 है जो कि मेरा पिछला जो कंडीशन था मेरा वो ट्रू कर रहा है, 5 से बड़ा है। तो क्या करेंगे, d4 में 1 ऐड कर देंगे, d4 7 था तब 8 हो जाएगा। ये मेरा निकल गया a+b+c का वैल्यू LHS से। अब RHS देखते हैं, RHS के लिए हम क्या निकालेंगे, RHS के लिए यहाँ था a+b+c, पहले b+c निकाल लेते हैं। तो b का वैल्यू हमको पता है, b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0.0, और c का वैल्यू भी दिया हुआ है। यहाँ देखते हैं दोनों को ऐड करेंगे तो इसका एक्सपोनेंट 3 है और इसका एक्सपोनेंट 1 है, इसका एक्सपोनेंट बढ़ाना पड़ेगा। एक्सपोनेंट बढ़ाने के लिए लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, कितना पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 0 दे दिए, पहले 1 था अब 2 ऐड हो गया। अब दोनों का एक्सपोनेंट सेम है तब b+c निकाल लेते हैं। तो b पता है और सी सी मेरा माइनस में है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने पे बाद आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद इतना आता है, इसका आप ये अननॉर्मलाइज फॉर्म है, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए देखेंगे d5, d5 5 है जो कि मेरा पिछला जो कंडीशन था राउंडिंग का, अगर 5 होता है तो d4 में 1 ऐड करना पड़ेगा नॉर्मलाइज करने के लिए। तो d4 में हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो इसका d4 2 है तो अब क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा into 10 to power 3। ये b+c निकला। अगर आपको दिक्कत होती है चॉपिंग और राउंडिंग यानी कि नॉर्मलाइज करने में तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें बताए हुए हैं कि चॉपिंग कैसे करना है और राउंडिंग कैसे करना है और फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करना है। तब b+c निकल गया, अब इसमें a को ऐड कर देंगे, इसका हम 3 है और a का वैल्यू दिया हुआ है, a का एक्सपोनेंट मेरा क्या है, 5 है, a का एक्सपोनेंट 5 है तो हमको b+c का एक्सपोनेंट भी 5 करना पड़ेगा। तो 5 करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा 2 डिजिट, पहले 3 था अब 2 ऐड हो जाएगा। अब इसका भी सेम हो गया, अब क्या कर देंगे, a+b+c निकाल लेंगे। a का वैल्यू पता है, a का वैल्यू ये दिया हुआ है तो लिख देते हैं एक का वैल्यू यहाँ पे, और बी का वैल्यू दिया हुआ है यहीं पे, बी यानी कि b+c का वैल्यू। दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, ऐड कर देंगे, ऐड करने पे आएगा ये आया, ये क्या अननॉर्मलाइज फॉर्म है, इसको भी नॉर्मलाइज करेंगे, d5 देखेंगे, d5 3 है जो कि जो मेरा कंडीशन था राउंडिंग का वो मेरा फॉल्स हो रहा है। इन d5 अगर होता तो d4 में क्या ऐड करते जो कि है ना, तो हम चॉपिंग मेथड से इसको नॉर्मलाइज कर देंगे। चॉपिंग मेथड हम क्या करते हैं, सिर्फ इंटीजर का 4 डिजिट लिख देते हैं जो होता है एक्सपोनेंट के साथ। ये मेरा निकल गया a+b+c का वैल्यू। अब दोनों वैल्यू को लिख देते हैं, पहले हम निकाले थे a+b+c का वैल्यू,
तो वो निकला था मेरा, यहाँ पे निकला हुआ है वो निकला था 0., और अब निकाले हैं ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, ये निकला है 2 इक्वल नहीं है। तो ये मेरा एसोसिएटिव नहीं है, डज नॉट इक्वल टू, यही था मेरा फ्लोटिंग पॉइंट का, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का एसोसिएटिव प्लस एसोसिएटिव। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन एसोसिएटिव क्या होता है, वो देख लेंगे।